हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आइफा और आज मैं आपको ले जाऊंगी प्लांट्स की अनोखी दुनिया में। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? तो चलो शुरू करें। सीड्स। सीड नेचर के एक मैजिकल पैकेट जैसा है जिसमें ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल होता है। फ्रॉम टावरिंग ट्रीज टू कलरफुल फ्लावर्स, every plant starts its life as a tiny seed. हमारे प्लांट की कहानी एक छोटे से बीज से शुरू होती है। देखो इस छोटे से बीज को, जैसे कुछ बड़ा बनने को तैयार है। ये बीज छोटा होता है बट इसमें बड़ी कहानी छुपी होती है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे यही पौधा बड़ा होते 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 एक ट्री में बदल जाता है। नेक्स्ट कम जर्मिनेशन। अब उस प्रक्रिया की बारी आती है जब बीज जाग जाता है, छोटा सा पौधा निकलता है। इट्स लाइक द प्लांट सेइंग गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, डू यू नो how and when germination starts? Okay, let me explain you. जब सीड को पानी, वार्मथ, एयर मिलता है तो सीड को पता चल जाता है कि अब परफेक्ट कंडीशन है germination के लिए। पता है दोस्तों, normally it happens inside the soil. और नन्ना सा डेलिकेट सा पौधा सीड से बाहर आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ दोस्तों, सीड में नन्हे पौधे के लिए खाना भी होता है। इसका इस्तेमाल पौधा तब तक करता है जब तक खुद अपना खाना नहीं बना पाता है। अब हमारे पास एक छोटा सा पौधा है जिसे सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग नाजुक होता है। सीडलिंग की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है पौधे के लिए खाना बनाना। अब पौधा हम बच्चों के जरिए धीरे धीरे बड़ा होता है। समय के साथ हमारा पौधा धीरे धीरे लंबा और मजबूत होता है। अब पौधा बड़ा और मैच्योर हो जाता है। देखो इस पौधे को, इसमें कलियां आ गई है। फिर कलियों से फूल बनता है। फूल पौधे का एक विशेष अंग है जिसमें फल लगता है और फल के अंदर बीज होता है। इस प्रकार सीड साइकिल पूरा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई न्यू चैनल, लाइक शेयर एंड प्लीज कॉमेंट ऑन माई वीडियो।